हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज सेकेंड, काफी वोलाटाइल और बेहतरीन दिन था बैंक निफ्टी के लिए, बट नॉट सो गुड फॉर द निफ्टी। हम लोग ने 2 दिन पहले क्या बोला था वो देखते हैं। मैं थर्सडे को एनालिसिस किया था, फ्राइडे को मैं नहीं कर पाया था एनालिसिस, बट थर्सडे को मैंने बोला था कि 11,600 एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेवल होगा। 11,600 उसके नीचे अगर ब्रेक करके जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो ये हम लोग पुट कैरी करेंगे, अदरवाइज वो कॉल के लिए रहेगा, क्योंकि एक रेंज बन चुका है 11,600 से लेके 12,000 के बीच में। जनरली 400 पॉइंट्स का ये रेंज है, ये यहाँ का रेंज है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया और लास्ट 3 डेज से फिर से वही जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए मेरा रेंज क्या है, ये रेंज बन गया अभी न्यू रेंज, अगर मैं बोलूँ 11,550 और यहाँ पे ऊपर साइड में 11,750। तो अगर कल के, और ये इन बिटवीन नो ट्रेडिंग जोन है, अगर आप एक्सपर्ट अगर हो तो ये इसके बीच में ट्रेड करो, ये 150 पॉइंट्स के बीच में, मतलब यहाँ पे आएगा 11,600 के यहाँ पे आएगा तो बाय करो, ये स्टॉप लॉस रखो और ये टारगेट रखो। ये ऐसे ही कर रहा है ना, 11,600 के पास आ रहा है और आपको टारगेट, मतलब आपको अगर ये देखना है टाइम फ्रेम में तो आपको पता चलेगा। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो क्या बेहतरीन आता है वो, मतलब यहाँ पे आता है शॉर्ट नीचे, यहाँ पे आता है शॉर्ट नीचे ऊपर नीचे फिर से लॉन्ग, क्योंकि ये बहुत बार रेंज दे रहा है, क्योंकि ये रेंज हो गया ना, अभी फिक्स हो गया है यहाँ पे 11,600 के यहाँ से। तो उसके लिए फिर मैंने 5 मिनट का कैंडल आपको बताया, बट कल के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो मैं वही बोलूंगा कि यू शुड वेट 11th, अगर उसको बुलिश होना है, बट रिलायंस सपोर्टिव नहीं कर रहे ना, अगर निफ्टी को बुलिश होना तो ये 11,750 क्रॉस करना पड़ेगा एट एनी हाउ, नहीं कर रहा है। ऑन डेली बेसिस अगर 11,000, जिस दिन 11,600 के नीचे अगर क्लोज हो जाएगा तो मेरा नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली 11,500 एंड 11,300 होगा, जिस दिन वो क्लोजिंग बेसिस पे, मैं डेली बेसिस बोल रहा हूँ, इंट्राडे में वो वोलाटाइल होगा, नीचे भी आएगा बट क्लोजिंग ऊपर नहीं, मतलब अगर इसको क्लोज देखोगे डेली बेसिस पे तो किसी भी दिन वो डेली बेसिस पे क्लोजिंग 11,600 के नीचे नहीं गया, क्लोजिंग ऊपर ही हुआ। और अभी ये वोलाटाइल मार्केट की वजह से दोनों बाजू में डोजे टाइप कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो अभी ये रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो पहले अपर रेंज था, तो 11,750 एंड 11,550, ऐसे हम लोग ये दो रेंज के लिए बोल सकते हैं। ये रेंज ब्रेकआउट हो गया तो ये इजिली यहाँ तक 11,300 तक शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये सब गैप्स है वो इजिली फिलअप करने आ जाएगा। आज का ट्रेड कैसे था निफ्टी के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से, यहाँ पे उसने वो गैप डाउन किया, बाद में नीचे आया, ये सपोर्ट एग्जैक्टली ये सपोर्ट के यहाँ से घुमा, जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई मैं नीचे नहीं जाने वाला था, और इसके नीचे जाता तो फिर मैं और एग्रेसिवली शॉर्ट करता, ये जो कल का यस्टरडे लोस था। फिर उसने एक अप दिया, फिर से डाउन दिया, और ये फिर ट्रेंड लाइन अगर मैंने ड्रॉ करके रखी थी, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ये डिनोट कर रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ है। ये जब ही कैंडल दिया तभी मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि आज ये नीचे नहीं जाएगा, इसमें कुछ तो स्ट्रेंथ, और बैंक निफ्टी को ये पुशअप करेगा जो बैंक निफ्टी सुबह से था, और ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट, कल भी फिर ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू रहेगी, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, बट रादर देन निफ्टी यू कैन फोकस ऑन बैंक निफ्टी, क्योंकि रिलायंस अगर आप देखोगे, देखो आज शॉर्टिंग कैंडिडेट क्या सुपर रैली दिया, ये आज हमारा जैकपॉट सेटअप था, जैकपॉट सेटअप क्या, पहले 5 मिनट का कैंडल ही अगर नॉर्मल कैंडल अगर ये इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन के बाद, तो ये सबसे बड़ा डाउनफॉल देगा, और जो दिया उसने ऑलमोस्ट यहाँ से, इसके बाद इसके लो के बाद भी अगर आप करते 1990 था, या ये लो के बाद भी अगर करते 1960 था, तो 1860 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रैली रिलायंस ने दिया। वन ऑफ माई क्लाइंट बुक ऑलमोस्ट 30,000 इन रिलायंस, एक दो जन ने 7,000 भी बुक किया, क्योंकि उनको बोला गया है कि भाई आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर मोमेंटम, जो स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर ही ध्यान देना होता है, तो उसमें से ये एक था। आज HDFC ने भी ब्रेकआउट दिया था, वही अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर अगर ध्यान रखोगे ना तो डेली ट्रेड नहीं मिलेंगे, बट जिस दिन मिलेंगे, देखो ये फर्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट का था यहाँ पे, तो आपको एक अच्छा सा रैली मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो ये था मेरा निफ्टी का, बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं बहुत दिन से, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट वीक पूरा मैंने वही बोला था कि जिस दिन ये लेवल ब्रेक कर लेगा तो आपको फटाक से 25,000 का रैली दिखेगा, 25,200 100,
उसके लिए मैं आज श्योर था कि ये 1000 पॉइंट्स का रैली यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो उसको ये लेवल तक जाना है। देखो वही लेवल तक गया आज, ये दिख रहा है ये लेवल, इसको अगर मैं मार्क करूँ ये लेवल को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दिख रहा है, ये देखो ये लेवल तक तो जाना ही था। पर कल अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक करता तो और 100 पॉइंट्स के रैली, 1000 पॉइंट्स के रैली इजीली दिखा सकता है। तो ये एक पॉइंट था और ये पॉइंट था, ये पॉइंट मैंने पहले ही बोला था, ये पॉइंट जैसे ब्रेक करेगा 400 पॉइंट का मूवमेंट, तो यहाँ पे आपको 400 पॉइंट तो मिलने चाहिए जो सेफ ट्रेडर था। और जब भी इन्होंने गैप अप किया आज मॉर्निंग में, ये दो डोजे का हाई लेके गया, तभी भी एक ट्रेड बनता था। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर का आज का अगर ट्रेड देखना है तो ये ऐसे था, देखो 5 मिनट्स का कैंडल्स पे, और थ्रू आउट वो बाय जोन में ही था। अगर आप इसको हेकेनाशी कैंडल में अगर देखोगे आपको पता चलेगा ये पूरे इसमें बाय जोन में ही था, सेल जोन तो एंड में दिया है इसने, बट इतना तो ये पूरा प्रॉफिट यहाँ पे। आज मैंने ऑप्शंस कॉल दिया था मेरे क्लाइंट्स को 170 पे यहाँ पे कहाँ पे, तो और जो ऑलमोस्ट 570 तक हो गया था यहाँ पे, एक दो क्लाइंट में अच्छा 6 to 7000 भी प्रॉफिट बुक किया वहाँ पे। तो कल के लिए लेवल्स क्या है, कल के लिए भी लेवल सेम है, कल भी मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बुलिश होकर यहाँ पे ये रेंज में अगर कुछ मिलता है 24,700 और यहाँ पे 24,500 के आसपास, तो हम लोग बाय करके ही चलेंगे इसको। अभी ये सेल साइड नहीं है क्योंकि अभी एकदम टॉप में पहुंच चुका है ये, जैसे ये क्रॉस करेगा जो प्रीवियस टॉप था जो इसको आज टच किया उसने, जैसे ही वो क्रॉस करेगा भूचाल आ जाएगा बैंक निफ्टी, मतलब इजिली वी कैन अचीव 26,25,500 एंड 26,000 के लेवल इजिली हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे देखो ना, ये एक वीक दिया हायर वीक उसने आवरली में, ये एक रिजेक्शन कैंडल था बट सस्टेन की इसके ऊपर सस्टेन होने के लिए कामयाब हो गया वो, तो लेट्स सी अभी ये कल कैसे करता है, ये हम लोग बाय ऑन डिप्स के लिए देखेंगे। बैंक निफ्टी अगर देखना है तो इसके नीचे भी वो वीक हो जाएगा ये 24,000 के नीचे, क्योंकि अभी ये जोन तो बहुत बार टेस्टिंग कर चुका है। बट कल अगर यहाँ पे अगर एक फिर से ये देखो, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ना, मैं कुछ गॉड नहीं हूँ, मैं कल क्या बोल सकता हूँ, तो मैं सिर्फ लेवल दे सकता हूँ। बट कल यहाँ पे अगर ये वीक का हाई लेके नहीं जा रहा और आपको यहाँ पे कुछ एक 15 मिनट से आवरली बेसिस में एक नेगेटिव रिवर्सल दे, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करो, फिर से 1000 पॉइंट्स का डाउनफॉल रैली आपको दिख सकता है। बट अगर आप ग्लोबल मार्केट देखो तो ग्लोबल मार्केट फिर से टर्न हो चुका है, डाउ जोन को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि बहुत बार तो हम लोग अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, यूरोप के अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड चलते हैं, तो वहां पे अगर +300 तो कल हम लोग गैप डाउन भी हो सकते हैं, क्योंकि डेली गैप अप और गैप डाउन का तो सिलसिला है। और सबसे मेन की रिलायंस सपोर्टिव नहीं है, तो रिलायंस की वजह से निफ्टी डाउन आ सकता है और बैंक निफ्टी अप है बिकॉज ऑफ ऑल NBFCs और बैंक सेक्टर में अच्छा बाइंग लेवल दिखा रहा है। तो कल का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 25,200 मार्क करके रखो, तो वो ऊपर जाता तो फटाक से बाय कर लो, आपको इजीली 300 400 पॉइंट्स मिल जाएंगे। या अदरवाइज यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा और कुछ रिवर्सल आपको दिखा, रिवर्सल में कुछ भी कैंडल पैटर्न और डाइवर्जेंस अगर दिखे, जनरली मैं क्या देखता हूँ रिवर्सल में, मैं ये मेरा रेजिस्टेंस जोन देखता हूँ, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस जोन में मैं बताता हूँ, परसों भी मैंने एक रैली बताया था, देखो ये ऐसे रेजिस्टेंस जोन को टच करता है और टच करके फिर नीचे आ जाता है, वैसे कुछ रेजिस्टेंस जोन में अगर मुझे कुछ मिला तो ही मैं बताऊंगा। परसों मैंने शायद पोस्ट किया था, देखो ये निफ्टी का ये परसों मैंने पोस्ट किया था ऐसे, तो मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर मुझे ये रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे 15 मिनट्स 5 मिनट्स में कुछ मिला कि हर्डल आ रहा है कल के रेजिस्टेंस जोन में, तो मैं शॉर्ट कर लूंगा बड़े टारगेट के। और बहुत जन बोलते हैं सर ये होने के बाद तो ईजी होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं उनके लिए, कि ये ना मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये हर्डल ले रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, जाके चेक करो, इसका मैंने अपडेट भी दिया कि यहाँ से 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स डाउन था और ये हायर हाई अभी हायर लोज बनाते जा रहा है विद द ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तो एक बुलिश है 11,600 के जब तक क्रॉस नहीं करता नीचे तब तक। बट कॉशियस रहिए, सेफ ट्रेडर जो है वो अवॉइड कीजिए 2 वीक के लिए ट्रेडिंग, फोकस कीजिए, कैपिटल सेव रखिए क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल है। एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न अ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल के जिससे आपको पता चल लग जाता है कि भाई कहाँ पे बाइंग आ रही है, कैसे करना है। तो मेरा नेक्स्ट वीक से प्राइस एक्शन का कोर्स चालू हो रहा है, संडे टू संडे होता है, उसके मोर डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।